अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अमजद और आज हाज़िर हुआ हूँ जी ये तुर्की दुम्बो की वीडियो लेकर। ये पूरे पाकिस्तान में घूमते रहते हैं लेकर इन्हें, ये देखे ये इनका ब्रीडर है, ये पूरे पाकिस्तान में इन्हें लेकर घूमते रहते हैं। जहाँ चारा मिले वहीं दो चार दिन के लिए डेरा लगा लिया और जब वहाँ से ख़त्म हो गया वो देखे कहाँ तक ये फैले हुए हैं। अभी इनसे भाइयों से बात भी करेंगे तो आपको उम्मीद है ये वीडियो बहुत पसंद आएगी आपको। ये देखें जी ये तकरीबन 200-250 जानवर होगा इनके पास, तो इन्होंने इसकी खुराक का कोई बंदोबस्त नहीं किया होता, ये लेकर घूमते रहते हैं। जब जहाँ कुछ नज़र आता है उधर ही डेरा लगा लेते हैं। तो अभी भाइयों से बात करते हैं, ये भाई हैं 4-5 आदमी इसके साथ होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा भाई जान आपका नाम क्या है? रनी खान। रनी खान, तो आप ये लेकर पूरे पाकिस्तान में घूमते रहते हैं इसे? जी। अच्छा, तो कहीं मुस्तकिल डेरा नहीं है आपका? नहीं नहीं, ये जिधर माल का गुजारा होता है चारा लग जाता है उधर। अच्छा, तो आप कुर्बानी पर ये सेल करते हैं या वैसे भी कर देते हैं? नहीं, कुर्बानी पर। अच्छा, तो अगर किसी ने ये बच्चा लेना हो इसका तो फिर एक बेचेंगे या दो बेचेंगे, वो 22,000, 25,000, 30,000 फर्क है ना। अच्छा, बड़े बड़े छोटे। तो ये जो आप तुर्की ब्रीडर लेके आए हैं ये किसी और से लिया है या अपना ही है? नहीं, ये अपने। अच्छा जी, अपने। नहीं खरीदा था या अपने जानवरों का ही है? नहीं, अपने जानवरों का है। अच्छा, शुरू का है। अच्छा, शुरू का है आपके पास। इसे कितने साल रखते हैं आप? ये 100-200 नहीं नहीं कितने साल, यानी 4-5 साल चल जाता है एक ब्रीडर? नहीं ज्यादा चल जाता है, 8-9 साल, 7 साल इस तरह चल जाता है। तो ये अब ये दो दांत का हो जाता है इसे बकरियों छोड़ देते हैं भेड़ों? अच्छा, यानी 2-4 साल फिर इसी से ब्रीड कराते हैं? अच्छा, तो ये साथ आप बकरियाँ भी लिए फिरते हैं? जी, बकरिया दूध के लिए रखा है। दूध के लिए? अच्छा, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा, ये देखें। अच्छा, कितने जानवर हैं आपके पास टोटल? तकरीबन है कोई 800-900 जानवर। अच्छा, तो इन्हें आप खिलाने के लिए आपने बस यही डेरा थोड़ा इंतजाम है जो है इधर, ये थोड़ा थोड़ा सूखा गाय है ये खिलाना है और ये आपके अपने हैं या किसी के लिए हुए हैं? नहीं, अपने। अच्छा, कुछ होते हैं ना वो किसी का जानवर लेकर घूमते होते हैं, वो से क्यों होता है लेकिन। अच्छा जी खान साहब, ये जो वैक्सीन आप कराते हैं कभी हुई है या कोई मिलती है कहीं से? नहीं मिलती, पूरा साल वो ही नहीं लगाए, ये 2-3 दफे कार्य में अस्पताल में गए, वो को नहीं देता, वो आधे नहीं आया। अच्छा, फिर सुबह इसमें गए डिंगे वाले। अच्छा, वो बोल रहा है नहीं है। अच्छा, लबदा नहीं, माल भी छोटे छोटे फल भी जाया करता है, बीमार भी हो जाता है। अच्छा, तो आप हुकूमत से क्या अपील करेंगे कि इन्हें बोलेंगे वैक्सीन वगैरह लगाएं? जी मैं उन्होंने आके हम वैक्सीन करना है माल, वो आदे हमारा पास नहीं है, ये वैक्सीन जो है ना ये माल नो बच्चा नो पक करना है, ज़ाया नहीं करना है। अच्छा, तो ये उन्होंने हमारा माल बच्चे ज़ाया करना है, तो ये ज़ाया हो जाना फिर हमारा नहीं, वो बच्चे ज़ाया होने वाली वैक्सीन तो नहीं होती, वो तो आपकी खुराक का अमल है, वो हर चीज़ का होता है, वो जो है ना ये PCR बोलते हैं। नहीं, वो एक इंजेक्शन लेदा होता है, वो वैक्सीन नहीं होती, इंजेक्शन होता है। वैक्सीन जो है ना वो इस हर बीमारी के लिए है ना, मिसाल पे हिफाजत वास्ते प्रोजेस्टान इंजेक्शन है वो, तो वो कम से कम आप ऐसा करें ना जो आपकी भेड़े हैं ना सोने वाली उन्हें वो प्रोजेस्टान जो है खुद खरीद के लगा लें। उस नो मैं उधर स्टोर में गया, उधर है नहीं से, ये डिंगे स्टोर में गया। अच्छा, उधर नहीं से, वो बोल रहे इधर नहीं लगता, सरकारी में लगता। अच्छा, सरकारी में गया वो देंदा नहीं, वो आंदा नहीं है। अच्छा, तो आपके हुकूमत से क्या अपील है कि ये कम से कम इन्हें जो है वैक्सीन तो प्रॉपर मिले ना? ये मैं आखना उससे यार वैक्सीन तो लाभ जानवर, या आपको कार्ड ऐसे बना दें कि आप किसी भी शहर में जाएं तो वो आपको कार्ड देकर वैक्सीन लगा दें जानवरों को? काट वो जो चीज वो देना जी, मैं आप लगा सकते हो लेकिन जो लाभ जावे। हाँ, मिल जावे, मिल जाए। चलो जी ठीक है, मिलते हैं किसी अच्छी सी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।